Assalamu alaikum class, my name is Irsa Afzal and I am here to teach you subject statistical theory. आप लोगों को last semester में भी आप लोगों ने मुझसे ही पढ़ा है statistical theory का subject. आप लोगों को अंदाज़ा है कि what is the statistics. Before start our today's lecture and today's topic, मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स. आप उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे फॉर कंटिन्यूइंग योर स्टडी फॉर दिस सेमेस्टर. एज़ यू नो योर कंट्री इज़ सफरिंग फ्रॉम पेंडेमिक सिचुएशन. तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है हर एक जो है वो एक स्ट्रेस का उसमें स्ट्रेस में है कि इस वायरस की वजह से. तो आप लोग इस स्ट्रेस को जो है वो रिमूव करने कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करके. फ्री रहेंगे तो आप लोग स्ट्रेस में रहेंगे. सो अपने आप को स्टडी में बिज़ी रखें. और इसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप लोग अपनी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगा ताकि आप लोगों की स्टडी सफ़र ना करे. आप लोग अब क्या करेंगे, इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुनेंगे. एज़ पर शेड्यूल आपको भेजे जाएंगे तो आप लोगों ने उन फुट स्टेप्स पे जैसे आपको टीचर इंस्ट्रक्ट करेगा आप लोगों ने इनको सुनना है और अपनी जो थ्योरी मटीरियल होगा उसको लर्न करना है और जो न्यूमेरिकल होंगे उसको प्रैक्टिस करना होगा. फिर आप लोगों की असेसमेंट्स भी होंगी. असेसमेंट्स में आप लोगों की असाइनमेंट्स होंगी और कुछ क्विजेज होंगे. वो फर्दर आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी. ओके, आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा. व्हाट इज़ द स्टेटिस्टिक्स. स्टेटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग डेटा के बारे में जो भी नॉलेज होता है उसको उसकी कलेक्शन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इंटरप्रेटिंग और डिस्क्राइबिंग, जब हम ये काम करते हैं वो सारा आप लोगों के स्टेटिस्टिक्स का हिस्सा होता है. आप जानते हैं कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, प्रेजेंट करने के बाद उसको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है. आप लोगों ने ये सब स्टेटिस्टिकल टूल्स जो हैं आपके लास्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए. Now we are going to start our next topic, that is introduction to regression analysis. Okay, what is the regression analysis? Regression kya hota hai? Basically it is this word is derived from the regress, means ghatna, niche ki taraf aana. Dusre lafzon mein ise aise bhi kaha ja sakta hai, ek cheez ka dusre cheez ke saath relation. इट इज़ कॉल द रिग्रेशन. लेकिन रिलेशन किस बेस पर होगा, एक वेरिएबल आपका डिपेंड करता होगा, दूसरा वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट होगा. जब इस तरह का रिलेशन हम लोगों ने स्टेटिस्टिक्स में फाइंड करना होगा तो वो बेसिकली हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है. फिर सुन ले, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है. कोई दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिसमें एक वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, बाकी वेरिएबल्स आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे. तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप जो है उसको मेजर करना, उसको फाइंड करना, एनालाइज करना, वो आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है. अब मैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ने जा रही हूँ जो स्क्रीन पर आपको शो हो रही है. रिग्रेशन एनालिसिस इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Explain the impact of changes in an independent variable on the dependent variable. अब इन दो पॉइंट्स को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ. सब पहला पॉइंट आपके पास क्या है, वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल. वट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो आप लोग क्या करने जा रहे हैं, दो वेरिएबल का रिलेशन चेक करने जा रहे हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको पता है कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि अपनी वैल्यूज़ को चेंज करती हैं, जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं और वो सिमिलर नहीं होती, तो ऐसी चीज़ को हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं.
इसके लिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोग रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं ब्लड प्रेशर और एज का, यानी पेशेंट्स की ब्लड प्रेशर और एज का रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं। आपको पता है कितना ज़रूरी है ये? इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप लोगों के ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स इंक्रीज होते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में कौन सा स्टेटिस्टिकल टूल यूज़ होगा जिसमें एज और ब्लड प्रेशर के दरमियान में रिलेशन को एनालाइज किया जाएगा? उसके लिए जो स्टेटिस्टिकल टूल यूज़ होता है उसको हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हाइट और वेट का रिलेशन, स्टूडेंट्स की हाइट्स और वेट का रिलेशनशिप चेक किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हाइट ज़्यादा होती है तो वेट भी ज़्यादा होता है, यानी हाइट और वेट का एक क्लोज रिलेशन है। जब हम लोगों ने इस तरह की एनालिसिस करनी है जिसमें हमने दो चीज़ों, दो वेरिएबल का रिलेशन जो है उसको मेजर करना है, एनालाइज करना है, तो वो हमारे पास क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस। आप लोगों को जो मैं दो एग्जांपल्स दी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग क्रॉप्स की जो है उसकी प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, और आप देखना चाह रहे हैं कि किस जो है वो एरिया में बारिशों की वजह से, बारिश ज़्यादा होने की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो एक क्या हो गया, रेन और क्रॉप का रिलेशन जो है वो एनालाइज करना पड़ा। बाय किसके ज़रिए आपने इसको चेक करना है? रिग्रेशन एनालिसिस के ज़रिए। सो रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जिसमें दो वेरिएबल का आप लोगों को रिलेशन जो है वो एनालाइज करना होता है। सो रिलेशन एनालाइज करने का मतलब क्या है कि आप लोगों ने वैल्यू को प्रडिक्ट करना होता है। प्रडिक्ट मतलब यानी आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना होता है जो कि आपके आने वाले वक्त के लिए बेनिफिशियल रहता है। सो एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उस डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आप लोगों ने कोई वैल्यूज़ को प्रडिक्ट करना है बाय यूजिंग दी वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। Actually, regression analysis is helpful in assessing specific forms of relationship between variables and ultimate objective. इसका मतलब क्या है कि regression analysis एक बहुत ही helpful tool होता है जिसमें हम लोग assess कर सकते हैं दो variable के दरमियान में एक relation को, जिसमें एक वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है हमेशा और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमेशा। सो फर्स्ट आपको लाइन को अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा दैट इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है जिसकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वैल्यूज़ को निकालना होगा रिलेशन की फॉर्म में। सो इट इज़ आल्सो, सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ आल्सो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आएंगी उसके इम्पैक्ट को भी एक्सप्लेन करना किसका काम है? रिग्रेशन एनालिसिस का है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल वी विश टू एक्सप्लेन। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वो वेरिएबल होगा जिसको हम एक्सप्लेन करना चाहते होंगे या जिसके बारे में वैल्यूज़ को प्रडिक्ट करना चाहते होंगे, एस्टिमेट करना चाहते होंगे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रडिक्ट करना होगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपके सिलेबस का हिस्सा है। सबसे पहले आपने इसके बारे में पढ़ना है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्यों कहा जाता है?
चूंकि हम लोगों ने दो वेरिएबल का रिलेशन निकालना है, तो ये बात याद रखें, मैथमेटिक्स भी आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, तो जो दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, आप जब उसका आपस में कोई रिलेशन फाइंड करते हैं तो किसी फंक्शन की सूरत में होता है। यू ऑलरेडी लर्न इन योर मैथमेटिक्स व्हाट इज़ द रिलेशंस एंड व्हाट आर द फंक्शंस। सो आप लोगों ने जब यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स में दो वेरिएबल का रिलेशन निकालना है, तो आपने ये भी याद रखना है यहाँ पर आप किसी फंक्शन की फॉर्म में निकालेंगे, और उस फंक्शन को यहाँ पर कहा जाएगा रिग्रेशन मॉडल। अंडरस्टूड? अब रिग्रेशन मॉडल लीनियर क्यों है और इसको सिंपल क्यों कहा जा रहा है? इसको सिंपल इसलिए कहा जाता है स्टेटिस्टिक्स में जब आपके पास ओनली टू वेरिएबल्स के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस, तो वो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस होगा। जब दो से ज़्यादा वेरिएबल के लिए हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे तो वो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस होगा। अंडरस्टूड? ये आपको समझ आ गई? यानी सिंपल रिग्रेशन मॉडल जो होगा उसमें सिर्फ दो वेरिएबल के बारे में आप लोग रिलेशन का एनालाइज करोगे, और जब दो से ज़्यादा वेरिएबल के लिए आप लोग रिग्रेशन को एनालाइज करोगे सो वो आपके पास मल्टीपल होगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ने जा रहे हो सिंपल रिग्रेशन मॉडल। अब इस लीनियर वर्ड को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी बट इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो मैंने मेन पॉइंट स्लाइड पर लिखे हुए हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ लें। ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको एक्स कहा जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिस्क्राइब्ड बाय अ लीनियर फंक्शन, यानी रिलेशनशिप जो है एक्स और वाई के दरमियान में वो एक फंक्शन से डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। चेंजेस इन वाई आर अज्यूम टू बी कॉज्ड बाय द चेंजेस इन एक्स, यानी वाई के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उसको अज्यूम किया जाएगा वो एक्स वेरिएबल की वजह से हो रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल, अब पीछे आप लोगों को मैंने सिंपल रिग्रेशन मॉडल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि रिग्रेशन मॉडल की रिग्रेशन क्या है। कोई भी दो वेरिएबल का रिलेशन हम चेक करने जा रहे हैं या दो से ज़्यादा वेरिएबल का रिलेशन चेक करने जा रहे हैं। मॉडल का मतलब किसी फंक्शन की फॉर्म में उस रिलेशन को हम डिस्क्राइब करेंगे, और सिंपल का मतलब ओनली टू वेरिएबल एग्जिस्ट इन दिस मॉडल। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्ड लीनियर। लीनियर वर्ड किस सेंस में यूज़ होगा? टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल में हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्यों पढ़ते हैं? आप लोगों को कुछ ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट आपके ग्राफ पे जो लेफ्ट साइड पे आपका फर्स्ट ग्राफ है, इस पर आप लोग एक लाइन देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन दैट इज इंक्रीजिंग, जो 1.5 और 2 के दरमियान से वो लाइन स्टार्ट हो रही है और इंक्रीज करती हुई जा रही है, देख रहे हैं आप लोग? और ऊपर लिखा हुआ है इट इज़ अ पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, एक्स एक्सिस पर एक्स वेरिएबल होगा आपके पास, वाई एक्सिस पर वाई वेरिएबल है। दोनों को ग्राफ में प्लॉट किया, उन दोनों का रिलेशन निकाला, रिलेशन निकालने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बन गई। वो स्ट्रेट लाइन बनना क्या होता है आपके पास? लीनियर रिलेशन। सो सबसे बेस्ट रिलेशन भी लीनियर रिलेशन होता है, इसलिए स्टेटिस्टिक्स में लीनियर रिलेशनशिप को फाइंड किया जाता है। सो फर्स्ट ग्राफ में आपने देखा पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। सेकंड ग्राफ देखें, राइट साइड पर जो आपका ग्राफ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिलेशनशिप नॉट लीनियर। अब ये लीनियर क्यों नहीं है? यहाँ पर भी एक्स और वाई के दरमियान में एक रिलेशन है बट इट इज़ अ कर्विकल रिलेशन, एक कर्व ड्रा हो रहा है जो 0 पॉइंट के कुछ डिस्टेंस से ड्रा हो रहा है, स्टार्ट होते हुए इंक्रीज कर रहा है। ये भी एक्स और वाई के दरमियान में रिलेशन है बट इट इज़ नॉट लीनियर बिकॉज इट इज़ अ कर्विकल लीनियर, सॉरी इट इज़ अ कर्विकल रिलेशन, एक कर्व ड्रा हो रहा है। लीनियर तब होगा जब एक्स और वाई के दरमियान में जो रिलेशन हम फाइंड करेंगे उसकी वजह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे ड्रा होगी। थर्ड आप लोग ग्राफ देखें, थर्ड ग्राफ में आप लोग देख रहे हो
एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है और उसके ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। आपके लेफ्ट साइड पे ग्राफ के बी आपका जो ग्राफ है यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। तो नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप ये क्यों है, यहाँ पर भी एक्स और वाई के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है, ठीक है, लेकिन चूंकि इसकी जो ट्रेंड है वो डाउन साइड है, डाउनवर्ड ट्रेंड आप देख रहे हो। फिर सुन लें, एक्स और वाई के दरमियान में ये भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है बट इट इज़ ड्रॉन डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड ड्रा हो रही है तो इसका मतलब क्या है, दोनों में रिलेशनशिप लीनियर है बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। पॉजिटिव और नेगेटिव को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट आप लोग फोर्थ नंबर का ग्राफ देख लें, यहाँ पर एक्स और वाई के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है नो रिलेशनशिप। इसका रीज़न क्या है, जब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ना ही कोई कर्व बन रहा है, ना कोई शेप बन रही है, ना कोई ट्रेंड शो हो रहा है कि कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा, कुछ डिक्रीज नहीं हो रहा, सिर्फ एक स्टेशनरी पॉइंट आप देख रहे हो जिसको एक लाइन से शो कर दिया गया है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कुछ इंक्रीज हो रहा है, ना ही कुछ डिक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में आप देख रहे हो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है रिग्रेशन मॉडल तब आपका एग्जिस्ट करता है जब चेंजेस इन वाई आर अज्यूम टू बी कॉज्ड बाय चेंजेस इन एक्स। यानी वाई के जो आप लोग चेंजेस होते हैं उसको आप लोग अज्यूम करते हैं कि वो एक्स की वजह से हैं। अब नंबर फोर ग्राफ में इस स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हो वाई की वैल्यूज़ में कुछ भी चेंज नहीं आया एक्स की वैल्यूज़ की वजह से, इट रिमेन कांस्टेंट। सो जब आपके पास एक कांस्टेंट किस्म का रिलेशन एक लाइन ड्रा हो जाएगी, ना ही वो इंक्रीज हो रही होगी, ना ही वो डिक्रीज हो रही होगी, तो वो आपके पास क्या होगा, नो रिलेशनशिप। सो आप लोगों ने समझ लिया रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, सिंपल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है और लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। अब इन्हीं ग्राफ पे मैं आपको पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप और नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर दूं बाय गिविंग एग्जांपल्स। एज यू नो, आपको पता है कि बारिश जब होती है तो वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, क्योंकि पानी की मिकदार की वजह से आपको पता है वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। तो बारिश के इंक्रीमेंट से वीट क्रॉप का इंक्रीज होना, इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन। यानी दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों वेरिएबल की वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीमेंट की तरफ जा रही हैं, सो इट इज़ अ पॉजिटिव लीनियर।